गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्ट फोर्थ चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन नॉट यूज और गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर डायरेक्टली। फॉर दिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट विल एक्ट और एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर इज रिक्वायर्ड। ए सॉफ्टवेयर known as the operating system was developed to provide it such an interface. It is the main software that controls the internal working of the computer. Forcing the software that, to run and provide an interface to user to access hardware device. What is operating system? क्या है हमारा ये operating system? क्या है interface? Firstly, हम जानते हैं what is interface? Interface क्या होता है? Interface वो होता है कि जो software और hardware के बीच में work करता है, काम करता है। कैसे? जैसे हम कोई भी instruction देते हैं, suppose let print out दे रहे हैं, print command दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? Printer से हमारा print out देता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हमारे सिस्टम में रहता है और जो प्रिंट आउट होता है वो हार्ड कॉपी होता है। तो वो हार्डवेयर से आ रहा है, तो हार्डवेयर को मैनेज कौन कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इन दोनों के बीच में वर्क कौन कर रहा है? इंटरफेस, वही कहलाता है इंटरफेस, जो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर देन हार्डवेयर के बीच में। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या सारी चीजें हैं, हम देखेंगे अपने पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, ओके, लेट्स सी द पीडीएफ। थैंक यू। नाउ फोर्थ चैप्टर लेसन फोर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए पावरफुल एंड यूजली लार्ज program that controls and manages the hardware and other software on a computer. All computer and computer-like devices require operating system, including your laptop, tablet, desktop, smartphone, smartwatch and router. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इंसान के पास दिल होता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर के पास भी होता है, और इसी तकनीकी भाषा में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम OS कहा जाता है। जब भी आप कोई मोबाइल या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो हमेशा आप बोलते रहते हो एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक, लाइनेक्स। तो ये सभी नाम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। कभी एंड्रॉयड किटकैट, तो कभी विंडोज़ की बात की जाए तो इसमें तो इनको कोई बोलता है विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP इत्यादि, etc। वैसे ही मैक OS भी होता है, लेकिन इन सब के बारे में हर किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान ज़रूर है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कंप्यूटर का दिल, मतलब इस OS का काम क्या है। एक छोटा सा एहसास मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का इंटरफेस होता है एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, इंटरफेस का मतलब जो बीच में वर्क करता है, यूज़र की इंफॉर्मेशन हार्डवेयर तक पहुँचाए और हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन यूज़र तक लाए, जो भी है। जैसे प्रिंट आउट मैंने अभी बताया है आपको कि प्रिंट आउट प्रिंट कमांड हम देते हैं और प्रिंट कमांड प्रिंटर से निकल जाता है, तो एक इंटरफेस का काम करता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है? एक इंटरफेस का काम करता है। वैसे इतने प्रकार के हैं, यहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके मुख्य काम क्या हैं, अगर आपको अधिक जानना है तो आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है। An operating system OS is an interface between a computer user and computer hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling
peripheral devices such as disk drives and printers. This is the function of the operating system. See this: process management, memory management, file management, device management, security. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप देखते रहोगे. देखो नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस, सीपीयू. प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इज एजुकेशन. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम इन सी और सी प्लस प्लस एंड कंपाइल इट, द कंपाइलर क्रिएट्स ए बाइनरी कोड. द ओरिजिनल कोड एंड बाइनरी कोड आर बोथ प्रोग्राम. व्हेन वी एक्चुअली रन द बाइनरी कोड, इट बिकम्स ए प्रोसेस. अच्छा बेटा, व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? आपको बताया गया होगा कि कंपाइलर एट में आपको बताया गया होगा कंपाइलर. अगर नहीं बताया गया तो जान लीजिए कंपाइलर क्या होता है. इट इज़ प्रोसेस डेट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर आपके लैंग्वेज को नहीं समझता है, हिंदी नहीं समझता है, इंग्लिश नहीं समझता है. कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, क्या? बाइनरी. तो कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में चेंज करता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सी, सी प्लस प्लस, जैसे हम कोई भी कोडिंग लिखते हैं, या आप क्लास एट में कोडिंग किए होगे, एचटीएमएल की कोडिंग किए होगे, नहीं किए हो ठीक है, नाइन्थ में करोगे, अगर किए होगे, कोई भी प्रोग्रामिंग किया होगा और उसको रन कराया होगा, तो वहाँ पे कंपाइलर ज़रूर आया होगा. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर नहीं समझता है इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज को. कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, बाइनरी. तो कंपाइलर क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस डैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर. प्रोसेसिंग आपको पता है, आप देख लीजिएगा. इसमें है मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट इज़ ए फॉर्म ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाइड टू कंप्यूटर मेमोरी. द essential requirement of the memory management is provided way to dynamically allocated portions of memory to program at their request and free it for reuse when no longer need operating system. memory management एक operating system का function है जो primary memory को handle करता है और manage करता है. मेमोरी मैनेजमेंट के सारे मेमोरी लोकेशन का टैंक रखता है, भले ही उन्हें किसी भी प्रोसेस को एलोकेट किया गया हो या फिर खाली बैठे हों, कोई दिक्कत नहीं है. तो मेमोरी क्या करता है? पूरा आपके प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको क्या करता है? वो मैनेज करता है. ठीक है, फिर आते हैं हम फाइल मैनेजमेंट पे. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मैनेज फाइल आर of computer system. A file is collection of specified information stored in the memory of computer system. File management is defined as the process of manipulating files in computer system. Its management include the process of creating, modifying and deleting the file. Okay? This is the device management. Device management is another important function of the operating system. Device management is responsible for managing all the hardware device of the computer system. An operating system manages the device in a computer system with the help of device controllers and device drivers. Okay? ये है आपके device management. Example के साथ तौर पे दिया हुआ है. Keyboard, mouse, monitor, scanner. सीडी रोम, सर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, कई सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए. सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.